हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर स्पोर्ट्स सिविल यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है ई टैब वर्सेस टैट प्रो। कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, कौन से सॉफ्टवेयर का स्कोप ज़्यादा है, और आपको अपने कैरियर के लिए, जॉब के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए और कहाँ से सीखना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बट उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इस डिफरेंस को, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है आपका ग्राफिकली यूजर इंटरफेस GUI, दूसरा है आपका टेक्निकली क्या डिफरेंस है, और थर्ड है आपका कि स्कोप, आपका स्कोप और कहाँ से इसको सीखे, कौन सा आपको सीखना चाहिए। तो फर्स्ट हम चलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें हम। जैसे कि दोनों ही सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनी के आप मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हो। दोनों का मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ। दोनों का इंटरफेस अलग है क्योंकि अलग अलग कंपनी का है। स्टैट प्रो बेंटली का है और ई टैब आपका CSI का है। तो ये तो है ही कि दोनों का इंटरफेस अलग ही होगा, ग्राफिक दोनों की अलग होगी, तरीका यूज करने का दोनों का अलग ही होगा। ई टैब में जो होता है आपका मेंबर्स को हम बनाने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर मॉडल करने के लिए, बीम कॉलम बनाने के लिए पहले एक ग्रिड डिफाइन करनी होती है, और स्टैट प्रो में हम क्या करते हैं, जॉइंट के थ्रू, नोड्स के थ्रू हम किसी मेंबर और एलिमेंट को बनाते हैं। एक जो मेन खास बात है जो स्टैट प्रो में मैं कहूंगा ग्राफिकली में और इसके इंटरफेस में, इसमें एक आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एडिटर। इस एडिटर में आप कमांड के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू काम कर सकते हो, और काम में कोई एरर हो तो उसको एडिट करके तुरंत ठीक कर सकते हो। ये बड़ा बेस्ट है। और एक बेस्ट चीज है कि इसके साइड में आपका, यहाँ पे अगर आप जाओगे जनरल में, तो लोड डेफिनेशन, कौन कौन से लोड लगे हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन, आप तुरंत देख सकते हो। यानी कि इंटरफेस के हिसाब से अगर मैं कहूँगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सीखने में जो इजी है वो आपका स्टैट प्रो है। ई टैब में क्या है, आपका थोड़ा सा टिपिकल है स्टैट प्रो के मुकाबले में सीखना। इसमें चीजों को आप डायरेक्टली एकदम नहीं देख सकते। जैसे लोड देखना हो तो आपको थोड़ा सा दो तीन क्लिक करने होंगे। आपने लोड लगाया तो वो हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थोड़ा ग्रिड का कंसेप्ट इसमें अलग है। तो कुछ चीजें टिपिकल हैं इसमें। ड्रॉ करने का तरीका इसमें इतना इजी नहीं है। आप इतने इजीली आप किसी भी शेप की मॉडलिंग नहीं कर सकते, कर सकते हो पर इजीली नहीं कर सकते। आपको उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी, जबकि आप स्टैट प्रो में आप इजीली वो सब कर सकते हो। तो ये इंटरफेस है इन दोनों में। और स्टैट प्रो में आप देख सकते हो बहुत सारे आइकन्स हैं, ई टैब में थोड़ा कम आइकन्स हैं इसमें, लेकिन काम दोनों में हम सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफिकली यूजर इंटरफेस। तो बेस्ट है ग्राफिकली में, मैं कहूंगा ग्राफिकली देखने में बेस्ट है ई टैब, सीखने में इजी है स्टैट प्रो। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारी टेक्निकल। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि स्टैट प्रो में केवल आप बिल्डिंग्स के अलावा स्लैब भी डिजाइन कर सकते हो, और आप इसमें स्टील स्ट्रक्चर, एल्युमिनियम, टिम्बर, ये इतने टाइप के स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर सकते हो। इसमें आप एक ब्रिज लोडिंग लगा सकते हो, आप इसमें फ्लाई ओवर की लोडिंग लगा सकते हो, मूविंग लोड लगा सकते हो इसमें। तो इसमें काफी चीजें, काफी काम आप कर सकते हो। बट अगर हम ई टैप की बात करें तो जैसे कि ई टैप केवल आपका एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, आप केवल बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो ई टैप में, और स्लैब को केवल एनालिसिस कर सकते हो, डिजाइन भी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग सॉफ्टवेयर या फिर एक्सेल सीट जो होती है उससे करना पड़ेगा। ठीक है, ई टैब में आप केवल बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो, और स्टैट प्रो में नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जैसे फैक्ट्री का कोई स्ट्रक्चर हो गया, कोई टावर हो गया, वो भी कर सकते हो, लेकिन ई टैब में केवल बिल्डिंग्स के लिए। तो यहाँ पे ई टैब को माइनस पॉइंट जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ई टैब जो है आपका टॉल स्ट्रक्चर के लिए बनाया गया, टॉल बिल्डिंग्स के लिए, और टॉल बिल्डिंग्स के लिए बनाया गया जो बुर्ज खलीफा ई टैब से ही डिजाइन हुई है। तो टॉल स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोड एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि विंड लोड का प्रेशर ज्यादा होता है, डायनेमिक लोडिंग आ जाती है उसके अंदर, तो उसके रिजल्ट थोड़े बेटर होते हैं ई टैब में कंपेयर टू दी स्टैट प्रो में। और RCC की बात करें तो ई टैब में RCC इकोनॉमिकल होता है डिजाइन और कंपेयर टू दी स्टैट प्रो, पर स्टैट प्रो में स्टील स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल और बेटर रिजल्ट आते हैं कंपेयर टू ई टैब। तो ये टेक्निकल डिफरेंस था। अब मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ई टैप्स, कोई बिल्डिंग आई है तो आप इसको ई टैप से ही कर सकते हो, आप दोनों से कर सकते हो। डिपेंड करता है कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर प्रीफर करती है, इंजीनियर कौन सा प्रीफर करता है उसको क्या। इंजीनियर को अगर बहुत बारीकी डिटेल में पता है कि भाई ई टैप में ये प्लस पॉइंट है बहुत पतले छोटे छोटे, तो मैं ई टैप यूज करूंगा। पर मोटे तौर पर इतना डिटेल में किसी को नहीं पता होता, तो वो जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है उसी से डिजाइन कर लेते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा, आपको डिटेलिंग में बहुत बड़े आप इंजीनियर, तो आपको एक एक चीज का पता होता है कि अगर मैं 100 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा हूँ, अगर मैं ई टाइम में बनाऊंगा तो थोड़ा इकोनॉमिकल होगा, थोड़ा इतना पैसा हमारा बच जाएगा। तो यही डिफरेंस है आपका टेक्निकली ई टाइप और स्टैट प्रो में। एक और डिफरेंस है, ई टाइप में थोड़ा ग्राफिकली रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर मैं सीज़मिक के रिजल्ट देखूं, लेटरल फोर्स और ये सब, तो वो सब इसमें बहुत अच्छे ग्राफिकली ज्यादा दिखाता है, और आपका ई स्टैट प्रो में वो टेक्स फॉर्म में दिखाता है ज्यादातर, टेक्स और टेबल फॉर्म में ज्यादातर रिजल्ट दिखाता है। तो टेक्निकल डिफरेंस था। अब नेक्स्ट आता है थर्ड, जिसका आपको इंतजार था कि स्कोप किसका ज्यादा है और किसको हम सीखे ज्यादा। देखिए मैं बताऊंगा आपको कि जैसे कि टॉल स्ट्रक्चर के लिए हमारा ई टैप फेमस है, और टॉल स्ट्रक्चर का स्कोप ज्यादा है। अब हर जगह टॉल स्ट्रक्चर, इंडिया में बहुत ज्यादा टॉल स्ट्रक्चर का ट्रेंड आने वाला है और आ भी रहा है, तो ई टैप का स्कोप है उसमें। बट मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे केवल ई टैप पे काम हो रहा है, स्टैट पे नहीं हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है। वो कभी भी किसी भी बंदे को कि स्टैट प्रो इसको आता है, इसके लिए स्टैट प्रो के लिए बंदा रखो, ई टैप के लिए अलग बंदा रखो, नहीं। वो क्या करते हैं, उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जिन्हें दोनों सॉफ्टवेयर आते हो। वो ई टैप पे भी काम कर सके, जब ई टैप का प्रोजेक्ट आए तो उस पर कर सके, और स्टैट प्रो का प्रोजेक्ट आए तो वो उस पर कर सके, ठीक है। अगर आपको कोई बिल्डिंग अपने लिए या आपके किसी क्लाइंट के लिए डिजाइन करनी हो, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रीफर कर सकते हैं जो आपको बेस्ट समझ में आता हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो स्कोप के बारे में मैं यही कहूंगा कि आपको दोनों सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए अगर आपको फील्ड में उतरना है तो, ठीक है। स्टैट प्रो आता है तो अच्छी बात है, लिंक प्लस ई टैब आता है तो और ज्यादा अच्छी बात है। और भी हमारे मार्केट में सॉफ्टवेयर वो आते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये दो सॉफ्टवेयर तो कम से कम डिजाइनिंग में जाने से पहले ये दो सॉफ्टवेयर प्लस ऑटो कैड तो आना ही चाहिए। तो ये था स्कोप। अब ये है कि आपको एज ए कैरियर भी बता दिया मैंने कि दोनों सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। अब नेक्स्ट है कि कहाँ से सीखें। तो देखिए मैंने काफी कंसल्टेंसी में काम किया है, तो कंसल्टेंसी वाले कभी भी नहीं मांगते सर्टिफिकेट, कि सर्टिफिकेट दिखाइए कोर्स किया है नहीं किया, ठीक है। रेयर केस की बात नहीं कर रहा मैं, ज्यादातर केस की बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं मांगते। वो आपसे टेक्निकली क्वेश्चन पूछते हैं, पहले पूछेंगे आपको सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है आता है, तो आपसे टेक्निकली क्वेश्चन, आईएस कोड के क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपसे वो उस सॉफ्टवेयर पे कुछ बेसिक्स या फ्रेम व्रेम डिजाइन करा के देख लेंगे, सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। तो आपको आईएस कोड की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से आईएस कोड होते हैं, बेंडिंग में डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, सिंपल सिंपल बीम्स का, फिक्स बीम, कैंटिलीवर बीम, और आपका सिंपल सपोर्टेड बीम, और फ्रेम का भी आपको बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, रट लो उसका वैल्यू के कैसे ड्रॉ होता है केवल एक रफ आइडिया। और आप आईएस कोड आरसीसी के लिए कौन सा, स्टील के लिए कौन सा, विंड लोड के लिए कौन सा, अर्थक्वेक के लिए कौन सा, ये सब याद कर लो बस आपको। और वो सॉफ्टवेयर पे बहुत कम कंसिस्टेंसी, सॉफ्टवेयर पे कुछ बनवा के देखते हैं, वो टेक्निकली पूछती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। और आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर सीखने कहाँ से है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, मेरा भी खुद का चैनल है इंजीनियर्स फॉर सिविल, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो। इसकी प्लेलिस्ट में आपको दोनों की फुल सीरीज मिल जाएगी, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं वो क्लियर करूंगा या उसके डाउट के ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। और भी कोई आपका डाउट हो, अगर वो बड़ा डाउट होगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो छोटा होगा तो कमेंट में रिप्लाई करके आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत कम सब्सक्राइब है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।